कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने देश के कुछ प्रांतों में कोविड 19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा कि जनपद में आने वाली फ्लाइट व ट्रेन में कोविड 19 पॉजिटिव यात्रियों के होने की संभावना बनी हुई है। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में आने वाली रेल व हवाई यात्रियों की कोविड 19 परीक्षण कराया जाए। प्रत्येक दिवस फ्लाइट व ट्रेन के माध्यम से आ रहे यात्रियों की सूची प्राप्त कर समस्त की कोविड 19 जांच कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का दायित्व होगा कि वे अपने नजदीकी सीएससी व पीएससी पर जाकर कोविड 19 टेस्टिंग अवश्य कराएं। इससे वह स्वयं व अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। डीएम ने कहा कि ऐसा न करने पर और बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने कॉन्टेक्ट टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निगरानी समितियां को क्रियाशील रहने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तब भी डरने की आवश्यकता ना, हमें तो ये करना चाहिए प्रैक्टिकल कि हम लोगों को कुछ उन लोगों के साथ बैठाइए। अगर मैं पॉजिटिव हो गया टेस्ट भी हो जाएगा, साहब वैक्सीन को फायदा कर रही नहीं कर रही, ऐसे लगा के ढूंढते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। बताइए कि हम अगर यहाँ हमारे सामने कोई पॉजिटिव है और उसकी सांस इनहेल कर रहे हैं तो वायरस तो हमारे नाक में रहेगा ही नहीं। मैं वैक्सीनेट मतलब मैं बीमार तो नहीं होना चाहिए। आप बहुत सीरियस नहीं हो, कोई रहा है मालूम कैसे होगा कि तब तो यही होगा, फिर किसी को मरना पड़ेगा वैक्सीन वाले को, तभी तो मालूम होगा कि सब वैक्सीन ने काम किया नहीं किया। क्या होता है पार्टोसिस होता है, वो इन्फेक्शन होता है, डिटेक्ट होता है, लेकिन वो डेथ नहीं होती, सीरियस नहीं होती। वो कम कर पाती आने की ऐसा मास्क लगा के ही हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा चलिए, तो फिर कल दिल्ली स्टेशन नहीं है तो लगवा लें। एक बार हम एनडीआरएफ को भी बुला लें, मतलब एक पुराना मजमा हमें पूरा एकत्र करें और पूरा उस तरह से जैसे पुराने समय था, तो और ऐसे करने से हम उनको हमें अगले बस कर दें। अगर उनमें 10-10 5-5 भी हम निकाल ले जाएगा, अभी लगभग सेंसिटाइज नहीं है। अभी मार्केट में 100% लोगों ने मास्क उतार दिया है, 100% लोगों ने उतार दिया। जी बोली स्पेशल चल रहा है जी जी, चार ट्रेन तो मुंबई से आ रही होगा, दो प्लेन तो शायद मुंबई से आ रहा होगा, तीन हो गई कल हम लोग सर 10 बजे हमने सभी के लिए बात कर ली कि सीमो साहब की कम से कम 10-12 टीमें हो जाएंगी टेस्टिंग वाली, एसपी सर की तरफ से पोस्ट मिल जाएगी, आरपीएफ हमारी वहाँ पे रहेगी, रेलवे के लोग रहेंगे। तो जब ट्रेन आ जाएगी तो लोगों को मोटिवेट करके एक तो वहाँ पे अनाउंसमेंट ये करते रहेंगे जो भी यहाँ आए हैं वो ये यहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी है, यहाँ टेस्ट करें, और यहाँ अगर नहीं टेस्ट करा पा रहे हैं तो घर जा कर के नज़दीकी किसी भी पीएचसी सीएससी में जा कर के टेस्ट कराएँ। एक तो रेलवे स्टेशन हो गया सर, दूसरा दोबारा हम अपनी जो पिछली बार सर जो फ्लो हुआ था, डेटा फ्लो हुआ था निगरानी समिति से डी ओ साहब के पास, डी ओ साहब से पास से हमारे पास आ जा रहा था, वो डेटा हम फिर आपको अवेलेबल करा देंगे। निगरानी समिति में 5 लोग रहेंगे सर, हमारे लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी, आशा बहु, आंगनबाड़ी और रोजगार सेवा, डेटा आपको अवेलेबल करा देंगे। पीएचसी सीएससी वाले आपके पास डेटा रहेगा, उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई जो भी बाहर से होली के पहले पहले सर, अभी हमारा ये टारगेट सर 28 के पहले के लिए है, अभी काफ़ी लोग बाहर से आएंगे सर, तो आइसोलेशन के लिए कहेंगे सर, आरआरटी फिर से उसके पास तक आरआरटी जाएगी, जो पुराने एसओपी था कि आरआरटी वहां पर जाकर के क्या क्या करेगी, अब हमारा सर L1 L2 L3 पूरा ही मेडिकल कॉलेज ही हो गया है, तो अभी शायद वहाँ पर 5 पेशेंट एडमिट हैं जैसा से बात हुई थी, तो हमारे यहाँ के शायद 2 ही हैं, हमारे जनपद के 2 पेशेंट हैं, तो कहीं होली के आने वाले प्रधानी चुनाव तक रुकेंगे जी सर, और इसके बाद अगर प्रधानी का चुनाव अनाउंस हो जाएगा जो संभावना पूरी पूरी है, तब होली के बाद भी लोग आएंगे और आकर के रुके रह जाएंगे, तो पूरा अप्रैल हमारे लिए सेंसिटिव रहेगा, पूरा अप्रैल, तो हमें निगरानी समितियाँ 100% एक्टिवेट कर देनी है सर। मोहल्ला निगरानी समिति सर, सबका आदेश पहले जारी है, पूरा रिट्रीन करा दीजिए, उसको सक्रिय दोबारा करना है, ताकि गाँव में जो थे कि यहाँ से हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ताकि
देखिए हम तो जब टारगेट कर रहे हैं रेल से आएंगे, उससे आएंगे फ्लाइट से, पर भारी मात्रा में जो लोग बस से आते हैं, वो आपके टू व्हीलर से आते हैं, फोर व्हीलर से आते हैं, हमको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, सीधे सीधे गाँव पहुँच जाते हैं, हमको हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उस समय में हम लोग इंट्रो देखे थे, डेस्परेटली वो लोग कैसे किसी साधन से आए। जो सबसे अच्छा हम लोग का सिस्टम रहा वो गाँव में है ना, तो गाँव में पहुँचते पहुँचते पता चल जाता है फलाना घर का आदमी आ गया है, उनका ताऊ आ गया, मामा आ गया, चाचा आ गया। गाँव का हमारा चौकीदार, गाँव का जो पहले जो हमारा वहाँ का एक कर्मचारी यानी सफाई कर्मचारी हो जो भी हो, पहले हम लोग हर गाँव में ड्यूटी लेते, गाँव निगरानी समिति हम लोग बनाए थे। हम फिलहाल प्रधान नहीं है इस समय में, इसलिए हो सकता है समिति वो यहाँ शहरी इलाका में मोहल्ला निगरानी समिति दोनों का रिटीट करा दीजिए, तो उसी का फिर हमें लीड कराना होगा, वहाँ का नजदीक पी एस सी सी है।